हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज दी है कशिश महापात्र ने। जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है शादी यानी मैरिज, लेकिन कभी कभी मैरिज में डिले होने के कारण आप बहुत परेशान रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं एस्ट्रोलॉजिकली शादी में यानी मैरिज में डिले क्यों होता है। शादी में डिले का वन ऑफ द मेजर रीजन रहता है आपके कार्मिक फल यानी आपके पास्ट लाइफ कर्मा के रिजल्ट्स। अगर आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए थे, अपने शादी निभाया था और सब कुछ सही किया था, तो इस लाइफ में आपको कम टाइम में, कम एज में, जो करेक्ट एज में आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है और आपसे शादी हो जाती है। और इसे जानने का सबसे बेस्ट वे है, अगर आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में अगर जुपिटर और वीनस, जिन्हें सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज कहा जाता है, अगर आपके चार्ट में गुरु और शुक्र अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छे कंडीशन में हैं, अच्छे साइन में हैं, तो आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। और आपके सेवन्थ लॉर्ड जो है वो अगर स्ट्रांग है तो आपका फटाफट शादी हो जाएगा। लेकिन अगर ये अच्छा नहीं है, यानी आपने पास्ट लाइफ में कुछ गलतियाँ की थी, अब किस तरीके की गलती की थी, हो सकता है कि आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा वर्ताव नहीं किया था, अच्छा व्यवहार नहीं किया था, हो सकता है आपकी शादी तो हो गई थी लेकिन आपने उस शादी को एक सही तरीके से निभाया नहीं, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है मैरिज में, जो चीज़ें छोटे छोटे काम रहते हैं वो आपने बिल्कुल किया नहीं, आपने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर पे थोप दिया, इसके कारण आपकी शादी में डिले हो रहा है। एक और रीज़न रहता है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में किसी से शादी करने का वादा निभाया था लेकिन आपने शादी नहीं किया, लास्ट मिनट में आप या तो भाग गए या फिर आपने लास्ट मिनट में उन्हें चीट कर दिया या लास्ट मिनट में उन्हें धोखा दे दिया। तो जिस इंसान को धोखा दिया उन्हें बहुत चोट पहुंचा, उन्हें बहुत दुख पहुंचा और अब इस जन्म में आपको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। अब देखिए, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पास्ट लाइफ में हुआ वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं है, वो जा चुका है, लेकिन ये लाइफ तो हमारे कंट्रोल में है ना। तो बस आपको ये करना है कि इस लाइफ में नेवर एवर किसी को भी झूठा शादी का प्रॉमिस मत दीजिए। अगर आप श्योर नहीं है तो उन्हें हाँ ही मत बोलिए, आप सोचिए ध्यान से, डिसाइड करके तभी हाँ बोलिए। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने मैरिड लाइफ को अच्छे से निभाइए, जो भी काम है, जो भी वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको 50-50 अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, अपने पार्टनर को हैप्पी रखिए। इस तरीके से आप अपने अगले लाइफ में भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ पाएंगे और सही टाइम पे आपकी मैरिज होगी। यानी कि अगर इस लाइफ में डिले हो रहा है तो आपने कुछ गलती की थी और आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और जो पीड़ा आपको मिल रहा है लेट होने का, वो आपको भुगतना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि कुछ सडनली कोई मैजिक हो जाएगा कुछ और कुछ तो आप किसी तरीके से इस चीज़ से एस्केप हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है आपके मैरिड लाइफ, मतलब आपके सेवन्थ हाउस में या सेवन्थ लॉर्ड के साथ उनका कोई कनेक्शन है, तो सैटर्न इज़ वेरी मच नोन टू गिव यू कार्मिक पनिशमेंट, यानी आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। तो आप चुपचाप वो सह लीजिए, आपका शादी में डिले होगा लेकिन सैटर्न डिनाई नहीं करते हैं, लेट होगा लेकिन आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन तब तक आपको वो दुख सहना पड़ेगा। तो वो टाइम आपको पेशेंटली वेट करना है और समझना है, सही तरीके से पार्टनर को चूज करना है। पेशेंस इज़ द की जब आपको डिले हो रहा है। अगर आप उससे एस्केप करने को कोशिश करेंगे, भागने को कोशिश करेंगे, तो सज़ा और भी बढ़ जाएगी और भी लेट होगा आपका, तो आपको उतना भुगतना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में, शादी जो होता है वो हमेशा एक परफेक्ट टाइमिंग पे होता है, यानी कि आपके प्लैनेट पोजीशन, आपकी अंतरदशा, आपकी महादशा और आपके सारे पोजीशन जब परफेक्ट रहेंगे, स्पेशली जुपिटर महादशा में देखा जाता है शादी हो जाती है, या फिर आपके सेवन्थ लॉर्ड की महादशा में, या फिर वो महादशा अंतरदशा में आपकी शादी होती है। यानी कि शादी जो है एक, या फिर किसी ट्रांजिट में, एक प्लैनेटरी ट्रांजिट के पीरियड में, वो परफेक्ट टाइमिंग जब होता है तभी जाके शादी हो पाती है, उससे पहले ना उससे ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा लेट, इट इज़ ऑलवेज एट द परफेक्ट टाइम, सो यू जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। और ये भी कहा जाता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं कि यार मुझे ये चाहिए चाहिए, क्यों नहीं हो रही मेरी शादी, सब दोस्तों की हो रही है मेरी क्यों नहीं हो रही, इवन यू थिंक ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ट्रस्ट मी और भी तकलीफ होता है और भी डिले हो जाता है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल डेस्परेट मत होइए कि यार सबकी शादी हो रही है, सब फोटो डाल रहे हैं, मैं कब डालूंगा, बिल्कुल वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। शांति से, आराम से, पेशेंटली वेट कीजिए, आपका भी नंबर आ जाएगा।
But it is very important to select a right partner rather than choosing a partner quickly. अब चलिए मैं कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल पहलू के बारे में बात करूंगी रिगार्डिंग डिले इन मैरिज. यू नो मेनी टाइम इट हैपेंस इज दैट इन योर पास्ट लाइफ आपने मे बी आपने किसी को एक प्रॉमिस दिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा. मे बी इन योर पास्ट लाइफ यू लव्ड समवन और वो नहीं हो पाया था, कुछ वो रिलेशनशिप टूट गया समहाउ और आप बहुत दुखी थे, लेकिन आप मरते दम तक उस इंसान के बारे में सोचते रहे, सोचे कि काश मेरी उससे शादी होती. तो जो डिज़ायर आपने कैरी किया उसी डिज़ायर को लेके आपने ये जन्म लिया. इच्छा रह जाती है कि काश आई वुड हैव मैरिड दिस पर्सन तो कैसा होता मेरा लाइफ. तो वो जो डिज़ायर है अगर आपने एक बीच में छोड़ दिया कि नहीं इट्स ओके आई एम हैप्पी विद दिस करेंट पर्सन तो दैट्स ओके, लेकिन अगर मरते दम तक आपने वो डिज़ायर कैरी किया तो अगले लाइफ में फिर से वो साइकिल कंटिन्यू होगा. यू विल मीट द सेम पर्सन अगेन एंड मे बी यू विल मैरी दैट पर्सन. और कई बार ये भी होता है, मैनी टाइम्स टू पीपल टू सोल्स मीट अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स. बट कभी कभी जितने भी लाइफ में मीट करते हैं, जैसे आपने माइथोलॉजिकल स्टोरी सुना होगा जिसमें क्या होता है कि एक कपल है वो बार बार मिलते हैं अलग अलग जन्मों में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, समथिंग हैपन्स और उनकी शादी नहीं हो पाती, जो स्टार क्रॉस लवर्स कहते हैं. जिन लोगों की शादी में बहुत डिले हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम सैटर्न इज़ द रीज़न, एंड या फिर कोई मैलिफिक प्लैनेट जैसे मार्स सैटर्न, इनके कारण या केतु के कारण आपकी शादी में डिले होता है. और ये कहीं ना कहीं आपके अपने ही कर्म फल हैं जिनके कारण आपके शादी में डिले हो रहा है. एंड यूजुअली इन लोगों की शादी 36, 38, 42 इन एजेस में होने के हाई चांसेस रहते हैं. कई बार ये भी होता है कि आप जिससे प्यार करते थे उनसे आपकी मुलाकात कई जन्मों में होती है. यस यू माइट हैव सीन सो मेनी मूवीज़, यू माइट हैव रेड सो मेनी बुक्स जहाँ पे ये स्टोरी रहता है ना कि दो लवर अलग अलग जन्मों में मिलते हैं और फिर से टेस्ट होता है, कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट होता है. एग्जैक्टली इट्स वेरी मच ट्रू. इफ़ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन फॉर वन सोल फॉर वन पर्सन तो अलग अलग जन्मों में आप उनसे मिलेंगे और फिर से वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगा. अगर आप सही तरीके से उस रिलेशनशिप को निभा पाएंगे तो यू विल मैरी, अदरवाइज यू विल अगेन मीट दैट पर्सन इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स. यू सी वेरी सिंपल एग्जांपल इन हिंदू माइथोलॉजी इज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती. दोनों सोलमेट्स हैं एंड अलग अलग जन्मों में वो एक दूसरे से मिलते हैं एंड दे गेट मैरिड. वो अपना अलग अलग जो उनका ह्यूमन फॉर्म में जो उनका कर्म है वो निभाते हैं, लेकिन उनमें इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पैटिबिलिटी है, डिवोशन है, दैट्स वाई दे मैरी ईच अदर. दैट इज़ द मेन पॉइंट. एंड सेम ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी, वो भी अलग अलग जन्मों में एक दूसरे के साथ ही होते हैं. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल विच इज़ बिन सेट कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी विद दैट सेम पर्सन यू हैव टू बी परफेक्ट. मतलब आप ये मत सोचिए कि उसे चेंज होना चाहिए, आपको भी कितना चेंज होना चाहिए, आपको भी कितना कॉम्पैटिबल होना चाहिए, आपको कितना डिवोशन देना चाहिए अपने साइड से. 50-50 जब रहता है तभी दे गेट द परफेक्ट सोलमेट. ये तो बात थी मैं सोलमेट के बारे में कह रही थी, लेकिन एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप हमेशा अपने शत्रु से शादी करते हैं. जी हाँ, मतलब जब यू हैव एन एनिमी और उनके साथ कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ अनफिनिश्ड टास्क है, तो वो आपके लाइफ पार्टनर या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ के रूप में आप इस लाइफ में आपसे मिलेंगे एंड आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा. यू नो वी सी इन टूडेज लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम शादी में झगड़े होते हैं, दुश्मनी होती है, इरिटेशन होता है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता है. दिस इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ मैरिज टुडे. व्हाई? बिकॉज यू हैव एक्चुअली मैरिड योर एनिमी. आई एम नॉट लाइंग, बट दैट्स व्हाट एस्ट्रोलॉजी सेज दैट मेनी ऑफ द टाइम्स आप अपने शत्रु से ही शादी करते हैं और आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है. बट इट्स लाइक यू नो लिविंग विथ योर एनिमी. अगर आप अपने शत्रु के साथ जीना सीख जाते हैं तो दैट इज़ रियली द आर्ट ऑफ लिविंग व्हेन यू रियली यू नो मास्टर इट. के बिकॉज मैरिज इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, सो इस चीज़ को सिखाने के लिए नेचर हमें इस तरीके के सिचुएशन में डालता है. अगर आपके शादी में इश्यूज़ हैं
then definitely this is one of the reason, because you have actually married your enemy. तो अगर भी आपकी शादी में डिले हो रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब शादी हो जाएगा तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा. बट यू रियली हैव टू, जैसे मैंने कहा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, देन ओनली यू कैन हैंडल अ मैरिज. दिस ऑल्सो अनदर रीज़न फॉर डिले इन मैरिज, वो ये है कि कभी कभी आपके जातक में, आपके चार्ट में इट्स डेस्टाइंड दैट आपकी शादी एक फॉरेनर से होगी, यानी कि somebody who is completely different from your caste, from your religion or from your culture or from your country. हो सकता है आप इंडिया के हैं लेकिन आपकी शादी होने वाली है of some guy who is staying in, let's say, Norway or Finland or Australia, कहीं पे वो रह रहा है और आप उसे मिले भी नहीं हैं, आप इंडिया में ढूंढ रहे हैं लेकिन लड़का वहाँ पर बैठा है. तो ऐसा भी सिचुएशन होता है. ऑफ कोर्स आप जानते नहीं हैं, यू आर ट्राइंग, आपके आसपास से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन when you leave your country, you go to some another country, तो then जैसे ही वो मिलते हैं और situation change हो जाता है. अगर आपकी किस्मत में there is somebody जो बहुत distant, आपकी किस्मत ऐसी है कि किसी दूसरे religion, culture या country में रहने वाला कोई इंसान है जिससे आपकी शादी होने वाली है, उसके कारण भी आपका delay होता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको अपना चार्ट स्टडी करना है, आपको जानना है कि आपकी शादी का टाइमिंग क्या है, कब होने वाली है, और दूसरा कि जिससे शादी होगी वो कहाँ, मतलब कहाँ मिलेगा आपको, वेदर इट्स इन योर कंट्री, इन योर ऑफिस और इन सम अदर प्लेस बहुत दूर में. तो जैसे ही आप जानेंगे कि कहाँ पे वो लड़का मिलने वाला है, तो कब मिलने वाला है, ये सब चीज़ों को जान के आपको पेशेंस मिलता है और आप सही जगह ढूंढते हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं. यस, कई बार हम गलत लोगों को ढूंढ रहे हैं और हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है. कभी कभी रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, वी फील वेरी डिसहार्टन, वेरी ब्रोकन. कभी कभी हम जितने भी साइट्स में भी ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं. ढूंढने का जगह जानना भी बहुत ज़रूरी है. अब इसके लिए मैं आपको दो बहुत अच्छे रेमेडीज दूंगी जो आप आसानी से कर सकते हैं. एवरीबडी कैन डू इट. नंबर वन, आप नहाते टाइम अपने पानी में टर्मरिक पाउडर को डाल के नहाइए. इसका जो साइंटिफिक लॉजिक ये है, टर्मरिक पाउडर इज़ लिंक्ड विद जुपिटर एंड जुपिटर इज़ लिंक्ड विद मैरिज, सो दैट विल हेल्प इन हेल्प योर कर्मा, जिससे आपको बेनिफिट होगा. ये नहीं कि तुरंत कुछ हो जाएगा, बट डेफिनेटली इन अ स्लो प्रोसेस इट विल हेल्प यू. सेकेंड इज़ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड पार्वती, उनकी पूजा कीजिए, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे आर एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैरिज, दे रियली डिफाइन हाउ अ मैरिड लाइफ विल बी. उनकी पूजा कीजिए. राम और सीता जी की पूजा कीजिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैरिज. एंड अपने कर्मा ठीक कीजिए, अपने रिलेशनशिप को समझना और सीखना और एडजस्टमेंट को समझना, अपने आप को एज अ पर्सन बेटर बनाइए. आई एम श्योर थिंग्स विल इम्प्रूव. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिले इन मैरिज. इफ़ यू हैविंग अ डिले इन मैरिज, डोंट वरी, अगर आपके चार्ट में, आपकी किस्मत में शादी लिखी है, तो आप डेफिनेटली राइट टाइम पे आपकी शादी होगी. आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब होनी है वो ज़रूर होगी. अगर आपके चार्ट में मैरिज नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगी. कोई भी नहीं रोक सकता, आप शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर है तो आपकी शादी ज़रूर होके रहेगी. सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.